तो गाइस मैं अपने रूम पे हूँ, अभी फ्रेश हो लिया ऑलरेडी। मैं थोड़ा कैंप फायर भी करेंगे। कल का प्लानिंग यही है कि हम लोग जीप सफारी करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के, जितना अंदर जा सकते हैं उतना अंदर जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी मैं जस्ट बिस्तर से उठा ही हूँ और यहाँ से आपका जो नजारा है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा रिवर भी है। वो रिवर के सामने में आपको रहा था और यहाँ का जो कॉटेज है ठीक उसका सामने ही था। सो गाइज आज बहुत एक्साइटेड मोमेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू काजीरंगा नेशनल पार्क के भीतर। और हम लोग जिस रेंज पे हैं वो बहुत ही अंदर है। सुना है यहाँ पे फेमस फॉर द बर्ड्स, वेराइटीज काइंड ऑफ बर्ड्स। साथ ही साथ आपको अगर तकदीर में लिखा है तो टाइगर के साथ सेल्फी भी आप लोग ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून। सो वी ऑलरेडी सेट 7 AM। वाह, सो ब्यूटीफुल मैन। अभी फर्स्ट जो जीप सफारी है वो लोग निकल चुके हैं मगर हम लोग थोड़ा लेट हो गए। अभी मेरा सिस्टर अभी तक रेडी हुआ ही नहीं है और दो बच्चे भी है, सो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मोइना गुड मॉर्निंग बैडो, नमस्कार। रात को यहीं पे हम लोग कैंप फायर किया था। लेग पॉज है। से रेडी होके बैठा हुआ है, अभी तक गार्ड आया ही नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जल्दी जाने से ठीक था, अभी रुकते रुकते 1 घंटा फिर चला गया। अभी क्या देखने को मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं तो बहुत मजा आएगा, तो चलिए जीप सफारी के लिए रेडी। वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क। सैनिटाइजर स्टेशन, वहाँ पे पहले सैनिटाइज करना पड़ता है पैरों को, उसके बाद जाना पड़ता है उतर के। पाइल्स
चारों ओर कोहरा ही कोहरा है, हमको लैंड करा दो। कोहरा ही कोहरा। वेलकम टू सोहला। ये काजीरंगा नेशनल पार्क का सबसे बड़ा लेक है। मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा ऑन करके। और यहाँ पे काफी सारे हिरन भी दिख रहे हैं और न्यू बर्ड्स पहले कभी नहीं देखा है। चलिए देख लीजिए। मिस्टर हल्का होने के लिए जा रहा है। जीप से उतरने का परमिशन नहीं है, मगर अभी उपाय भी नहीं है, उसको जोर से लगा है इसीलिए उतरना पड़ रहा है। फोटो उठा जा ना। एंड वेलकम टू सोहला व्यू पॉइंट। तो ये सोहला का मेन व्यू पॉइंट है। यहाँ पे आके हम लोग क्या देखेंगे, बोलो नानो, टेल मी। हम लोग यहाँ पे कुछ देखने को तो आया था, मगर यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये है हिरन का सिंह, हम लोगों को छोड़ के जा रहा है। चलो भाई जल्दी, कम से कम 5-10 किलोमीटर आने के बाद अभी तक कुछ खास तो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ चिड़िया ही दिखा रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी देखेंगे जरूर। और यहाँ पे एक फ्लाईओवर मिला है, ये देखो आउटर फ्लाईओवर। दूर से हमको हिरन नजर आ रहा है, आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत दूर में है। काजीरंगा में जहाँ पे फ्लड होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, और फ्लड के वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर जो है वो मर भी जाता है और यहाँ पे रहने का जगह तक नहीं मिलता है। आप लोग शायद न्यूज़ या वीडियोस में देखे होंगे काजीरंगा का जो फ्लड है, तो ये बहुत ही दर्दनाक है। फाइनली वन हॉर्न राइनो हमको देखने को मिल रहा है। वो देखो छोटा सा दिख रहा है। और शायद आप सभी को पता ही है कि वन हॉर्न राइनो इज वेरी फेमस, इसीलिए असम बहुत पॉपुलर है वन हॉर्न राइनो के लिए। यू हैव टू नो अबाउट दैट। मैक्सिमम को पता है, किसी किसी को शायद पता नहीं भी हो सकता, पर वन हॉर्न राइनो सिर्फ असम में ही पाया जाता है। हमने अभी जंगली सुअर भी देख लिया है, आपको जूम करके दिखाया हूँ। चलिए क्या होता है देखते हैं और आगे आगे क्या है। ठीक है, ठीक है। मोटिया खिबीर, अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, काफी बड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा है। हम लोग अभी रंगामाटी कैंप में हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। राइनो का सर, this one and this one also, and this is buffalo। बाप रे बाप,
কে ফুট মান হয়ে তো था कि ये वीडियो जो है कंटिन्यूअसली आपको दिखाते रहूं, अनफॉर्चुनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड पे या नेक्स्ट चैप्टर पे आपको और अच्छी अच्छी लोकेशन और अच्छी अच्छी एनिमल्स बर्ड्स आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो स्टे ट्यून। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कैसी लगी कमेंट करके बोलना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय एट होम, बाय बाय।